आज ना मैं आपको चाय का एक ऐसा पाउडर बनाकर बता रही हूँ जिसे सिर्फ पानी में घोलना है और आपकी मस्त अदरक वाली मसाले चाय बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो रेसिपी है ना, जैसे बैचुलर है या कोई वर्किंग वूमेन है जिनके पास सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि दूध लेके आओ, उसको उबालो और फिर चाय बनाओ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाय में जो मसाले डालते हैं, जैसे मैंने ले लिए है थोड़ी सी इलायची ली है 8-10, और 8-10 ही ली है मैंने लौंग, और इसी तरह से चाय में जो भी मसाला डलता है वो मैं, ये देखिए थोड़ी सी मैंने ली है सौंफ, और इसी तरह से कुछ टुकड़े मैंने लिए हुए इसमें सौंठ के, जो सूखी अदरक होती है वो लिया है, और अब मैं लूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। तो अब जितने भी ये चाय वाले मसाले हैं हमें इनको जो है रोस्ट करना है। चलिए जब तक ये रोस्ट हो गए ठंडे होते हैं तब तक हम क्या करते हैं, एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसमें एक कटोरी में डाल रही हूँ चाय पत्ती। अब चाय का मसाला बनाना है तो सबसे पहले चाय पत्ती ही लेंगे और इसको पीस कर इसका एक बारीक सा पाउडर बना के इसे हमें छान के एक कटोरी में निकाल देना है। इसको अच्छे से छानना है ताकि बिल्कुल बारीक बारीक सा जो पाउडर है वो छन कर कटोरी में रह जाए, और ऊपर जो ये मोटे मोटे वाले पार्ट है इसको भी वेस्ट नहीं करना है, इसको जो पहले वाली आपकी चाय पत्ती है उसी में ही वापस डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमारा जो ये मसाले हैं ठंडे हो चुके हैं, इनको भी हमें इसी तरह से जो है ग्राइंड करके इनका भी पाउडर बना देना है। तो सारी चीज़ों का जो है हम पीस कर पतला पतला सा जो है बिल्कुल बहुत बारीक बारीक पाउडर बनाएंगे, और उन सबको छान कर ही हमें लेना है। बाकी जो इसके मोटे मोटे से पार्ट है वो वापस जो है, जैसे इलायची वाला है तो इलायची वाले डिब्बे में ही डाल देना है, क्योंकि बाद में जब हम चाय बनाएंगे ये उसमें यूज होंगे। तो अब लूँगे मैं एक कटोरी चीनी, और अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हो तो उसके बदले दो कटोरी ले सकते हो, और एक ही कटोरी में इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर। अब इनको भी हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और इसका भी एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर जो है बनाकर तैयार कर देना। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको मुझे पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए इसका भी पाउडर बन गया हुआ है। तो इसी तरह से इसको भी हमें छान लेना है ताकि बिल्कुल बारीक बारीक सा जो पाउडर है वो हमारे कटोरी में जाए, और जो मोटे मोटे से पार्टिकल्स हैं वो छानने में रह जाए। तो ये सारी चीज़ें जो छान के छाननी में बच रही है ये भी वेस्ट नहीं होगी, ये जो हम रेगुलर चाय बनती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों का जो पाउडर है इस तरह से मिक्स करके हम एक कटोरी में अच्छे से छान लेंगे। तो ये जो रेसिपी है, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो इस पाउडर को जो है साथ लेकर जा सकते हो, और जब भी चाय पीने का मन करे आपका तो किसी बॉटल में गर्म पानी तो आप लेके ही जाते होंगे साथ, तो बस एक चम्मच जो है इस पाउडर का कप में डालना है और ऊपर से गर्मा गर्म पानी डाल देना है, तो आपकी इंस्टेंट मसाला चाय बनकर तैयार हो जाएगी। तो पाउडर को अच्छे से जो है हमने मिक्स कर दिया है, तो ये देखिए कितना बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब इस पाउडर को जो है आप किसी डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल कर इसका एक एक चम्मच गिलास में डाल दो, और ऊपर से गर्मा गर्म पानी डालकर आपकी चाय तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितना सारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब चाय बना के देखते हैं कि इसकी चाय कैसी बनती है। तो एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसको अच्छे से उबलने देना है पानी को, जैसे चाय के लिए आप पानी गर्म करते हो। ये जो चाय है जब बनाकर तैयार होती है बिल्कुल नॉर्मल डेली जैसे हम चाय बनाते हैं उसी की तरह बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट आता है। हर एक मसाला जो है बिल्कुल प्रॉपर वही टेस्ट देता है जैसे हम डेली वाली चाय बनाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच जो ये पाउडर है गिलास में ऐड कर देते हैं, और ऊपर से अब गर्मा गर्म पानी जो है उसको गिलास में डाल देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है चाय में। तो अब हम इसको कर देंगे मिक्स, तो हमारी जो चाय है झटपट से बनकर तैयार हो गई है, और देखने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल चाय की तरह लग रही है जैसे जो चाय हम डेली बनाते हैं। तो इस पे जो है चाय के जो ये पार्टिकल्स आए हैं इसको आप छाननी से या किसी कॉटन के कपड़े से छान सकते हो,
अगर नहीं छानना है तो धीरे धीरे जो ये पार्टिकल्स हैं गिलास में खुद ही नीचे बैठ जाते हैं। तो मैं अभी इसको छान कर निकाल रही हूँ और ये देखिए हमारी जो चाय है एकदम रेडी है पीने के लिए। तो चलिए इस चाय को मैं टेस्ट करके देखी हूँ कि कैसे बनी है हमारी चाय। चाय जो है एकदम कड़क चाय बनी है, मसालेदार चाय, जैसी चाय सुबह सुबह मैं डेली पीती हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करना, और जब भी कभी कहीं जाना हो तब ये पाउडर आपके काम आएगा। जैसे ट्रैवल करने जाना है तो क्यों बाहर की महंगी महंगी चाय लेनी, जब घर पर झटपट से खुद से ये प्रीमिक्स तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।